वैसे पहले ये बता, आप दोनों को पता है ये जा कहाँ रही है वीडियो? ना बेटा, मैं क्या क्या ये कहाँ जा रही है, ये क्यों बना रही हूँ मैं, आपको पता है? आप भाग बैठे हो। हाँ नहीं पता, चलो ठीक है, पहले मेरे व्यूअर्स को राम राम तो बोल दो। ऐसे कैसे भी बोल दो, सभी को राम राम। हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्स अप। सो ये मेरे दादा दादी हैं। अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा कि कुछ दिनों के लिए राजस्थान से हमारे घर रहने के लिए आए हैं, और मैंने रैंडमली इंस्टाग्राम पे ये स्टोरी डाली। ये मेरे दादाजी हैं, ये सुबह 5 बजे उठते हैं, प्राणायाम करते हैं, एलोवेरा जूस पीते हैं, एंड गेस व्हाट, इस उम्र में भी साइकिल पे मंदिर जाते हैं, विच इज़ सो कूल। और उसके बाद मैंने ये वाली डाली। ये मेरी दादी हैं, ये बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, स्पेशली बैंगन का भरता। कभी कभी थोड़ी लेज़ी हो जाती हैं, इनको बातें करना बहुत अच्छा लगता है, और ये मुझे नहीं कहती कि अब 25 साल की हो गई है, शादी कर ले, तो आई थिंक सबको इनकी तरह कूल होना चाहिए। एंड सरप्राइजिंगली मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भेजे, एंड आई वाज लाइक मैं इनके साथ एक Q&A क्यों नहीं करती अपने चैनल पे, इट वुड बी फन। तो फिर मैंने Q&A की स्टोरी डाली और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस भेजे, और मेरे दादा दादी ने उनमें से कुछ क्वेश्चंस आंसर किए। इनफैक्ट जो सबसे कॉमन क्वेश्चंस थे वो आंसर किए। सो या आई होप यू ऑल एन्जॉय दिस वीडियो, बिकॉज मुझे तो बहुत मज़ा आया ये शूट करके। इनफैक्ट इट्स वन ऑफ माई फेवरेट वीडियोज, इट ऑलवेज विल बी, इज जस्ट वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि वो मेरे साथ रहते नहीं हैं तो हमारी ज़्यादा बात नहीं होती। इसी बहाने मुझे उनको और जानने को मिल गया, स्पेशली बाऊजी को, बिकॉज वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। एंड उनको फ़ोन भी करो, हाँ कैसे हो, हाँ ठीक हो, अच्छा ठीक है, बाय, राम राम। एंड आई एम लाइक ओके, ये तो 10 सेकेंड में बात खत्म होगी। सो या इस बारी उन्होंने बहुत बात की, विच इज़ ऑसम। एंड अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सो ओवर टू दादा दादी। आई होप यू ऑल इन्जॉय एंड अप्रिशिएट देयर सिंप्लिसिटी। आपको अपने गांव के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? अपना घर ही अच्छा लगता है, मेरे तो मन, मेरा मन, मेरा सीख नहीं, मैं मन लगा हुआ है मेरा, कहीं मन नहीं लगता, कहीं भी चली जाऊं पर मेरे अपने घर में मन लगता है। पर इतने सालों से आप रह रहे हो तो कुछ तो होगा ना, कि आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है सीकरी के बारे में? दूध घी सब, दूध प्योर मिलता है, दूध घी प्योर मिलता है, सब्जियां प्योर, मतलब ताजी मिलती है, गेहूं मतलब अपने खेतों की आती है, ज्वार है, बाजरा है, सब कुछ मिलता है, हमको प्योर चीज मिलती है, इसलिए हमारे भारत दिल्ली में या कहीं भी मन नहीं लगता मेरा। अब मेरा अपने गांव में ही मन लगता है, मतलब अपनी सीलिंग में। अब वैसे मैं दिल्ली आती हूँ बच्चों के पास घूमने फिरने 10-15 दिन में, लेकिन फिर मैं वापस चली जाती हूँ अपने घर, मतलब अपने गांव में, मेरा मन नहीं लगता वहाँ। परंतु अब हमने इस अवस्था में हमारे काम बस की नहीं है, इसलिए दिल्ली आने का मन बना लिया है। तो कब आओगे? हम तो बहुत साल से बोल रहे हैं, सब जानना चाहते हैं ये सवाल का जवाब। जल्दी जल्दी हनुमान जयंती के बाद में आने की कोशिश करेंगे। कौन सी वाली हनुमान जयंती, स्थल वाली या आने वाली? 8 की है, 8 अप्रैल। मुश्किल है इतना बेटा, सुनो, घर छोड़ना और प्राण छोड़ना बड़े मुश्किल होता है। अपना घर छोड़ना और प्राण छोड़ना आ रहे इसमें, ये बड़ी मुश्किल है, क्योंकि सारी जिंदगी हमने अपने गांव में बिताई है। मतलब मैं 6 महीने की थी, अपनी माँ से रही हूँ, तो उसके बाद मतलब बड़ी हुई हूँ, जवान हुई हूँ, तो मेरी शादी भी वहाँ हो गई। अब बेटा, अब मेरा बुढ़ापा भी वहीं आया है, तो अब मेरा मन उसी में, वहीं गांव में ही लगता है, मेरा मन कहीं नहीं लगता। अब आप हमें एक एक करके अपनी दिनचर्या के बारे में बताइए। चलो बाबू जी, आप शुरू करो। पहले आप सुबह उठते हो, क्या करते हो पूरा दिन? सुबह उठते हैं 5 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद धरती प्रणाम करते हैं दोनों हाथ होकर, वो करते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूल्य सरस्वती कर मध्य तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शन, फिर धरती माता को प्रणाम करके है समुद्र वसने देवी पर्वस्थन मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यम पाद सर्वसम समस्त में, फिर धरती माता प्रणाम करके क्षमा मांगते हैं तेरे ऊपर हम, ये सब पहला सबसे ये काम। उसके बाद फिर हम अपनी दिनचर्या में फ्रेश होने जाते हैं, दांतन मंजन करके फिर आके फिर प्राणायाम करते हैं। आगे उसके आगे आगे
आगे क्या करती है उसके बाद? उसके बाद फिर तेरी जाय उठती है, चाय बनाती है, हमको चाय पिलाती है। उसके बाद पूरा दिन सोने तक का बताओ, रात तक सोने सारा बताओ। चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद फिर अपने टीवी देखते हैं, समाचार सुनते हैं। समाचार सुनने के बाद फिर हम स्नान करते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद फिर मंदिर जाते हैं। मंदिर से आके फिर खाना तैयार होता है, फिर खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद फिर हम बाहर थोड़ी देर बैठ जाते हैं। और उसके बाद फिर अगर सुस्ती आती तो आराम कर लेते हैं, नहीं तो अपने मार्केट चले जाते हैं और छोटा मोटा घर का सामान लेके आ जाते हैं। उसके बाद शाम को आके फिर 5 बजे चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद फिर मंदिर चले जाते हैं। मंदिर में आरती होने के बाद करीबन 8 बजे वापस आते हैं और फिर खाना खा के रात को 9-10 बजे सो जाते हैं। हो गई थी चाय पूरी? यस, पूरी हो गई। अब दादी की बारी। अब दादी बता, अब आप बताओ, सब सब बताओ। जय माता दी। सुबह मैं 6:30 बजे खड़ी होती हूँ, फिर मैं फ्रेश होने जाती हूँ। फ्रेश होके आके फिर चाय बनाते हैं, फिर हम दोनों चाय पीते हैं, फिर अपना रसोई का काम संभालती हूँ सारा। उसके बाद फिर सब्जी बनाती हूँ, फिर उसके बाद आटा लगाती हूँ, खाना बनाती हूँ, फिर नहाना धोना अपना पाठ पूजा जो पति वो करती हूँ। फिर जैसे दोपहर को मतलब मुझे खाना वाना खा के फिर दवाई लेती हूँ, दवाई लेके फिर मैं आराम करती हूँ। फिर मैं 4:30 बजे फिर खड़ी होती हूँ। उसके बाद फिर मैं चाय बना के चाय दोनों हम पीते हैं। उसके बाद फिर अपना शाम का खाना तैयारी करती हूँ। और खाना मैं ऐसे बनाती हूँ कि मेरे आस पड़ोस महक लेते हैं, खुशबू लेते हैं खाने की, कि इस उम्र में आप खाना कैसे बनाते हो, हलवा कैसे बनाते हो, खीर कैसे बनाते हो। तो सब मेरे आस पड़ोस सब खुश होते हैं कि ये खाना कैसे बना रही है। तो उसके बाद फिर अपने शाम की जोत पत्ती करती हूँ, फिर खिलाती हूँ खाना वाना खा के। खाना इस उम्र में खाना मैं बहुत बढ़िया बना रही हूँ, सब पसंद करते मेरे। और अपने पति को भी खिलाती हूँ और बच्चों को भी खिलाती हूँ। और फिर रात फिर खाना पीना अपना आराम करते हैं रात को। सबसे अच्छा क्या बनाती है दादी खाने में? सबसे अच्छा? हाँ अच्छा, नहीं आप खुद भी बता दो। मैं सबसे अच्छा तो सब्जी। कौन सी सब्जी? कुछ ही बनवा लो मैं। इसकी माँ भी नहीं थी, कहाँ से सीख गई? हाँ मेरी मतलब माता जी, मैं 6 महीने की थी, मेरी माता जी की डेथ हो गई, तो इस कारण मेरे मतलब बाकी तो गुण बहुत है मेरे पास, लेकिन मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई नहीं करी मैंने अपनी माता के पीछे। मतलब संभालने वाला कोई नहीं था, तो मैं छोटी उम्र में ये सारा काम खाने वाने का, सारी खाने का काम मैं खुद सीखी हूँ अपने दिमाग से। तो जब मेरी शादी हुई थी, जो हमारे पिताजी थे यहाँ के, तो वो भी कहते थे कि ये खाना ये कैसे सीखी है, ना तो इसकी माँ है और ना इसकी बड़ी बहन है, ये मतलब सामान जो बनाती है ये कैसे सीखी है। पर मैं अपने दिमाग से छोटी उम्र में ये काम मैं रसोई में घुस के सीखी हूँ। आप दोनों को एक दूसरे के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? कौन शुरू करेगा पहले? हाँ जी बताओ, दादी के बारे में क्या अच्छा लगता है आपको? दादी के बारे में बहुत अच्छा लगता है, इसने मेरी बड़ी सेवा की है। वो बड़ी अच्छा खाना बनाती है, अच्छा सब्जी बनाती है, सब खिलाती है, पर कभी कभी ये लड़ने में लग जाती है। तो आप नहीं लड़ते हैं? तो पर हम आपस में लड़ देते हैं, पर ये नहीं बोल चाल बंद नहीं करते। फिर 10 मिनट बाद एक हो जाते हैं, खुश रहते हैं और गाँव में रहते हैं, मस्ती मारते हैं। और आप को बाबूजी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? सब कुछ अच्छा लगता है मुझे, जो मांगती हूँ वो सामान ले आते हैं, पर थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो करते ही हैं। बाकी तो कमी है नहीं घर में, जो सब्जी मांगो सामान मांगो सब कुछ लाते हैं, अच्छा लगता है मुझे। अब इस उम्र में हम तो कुछ ना तो कहीं छोड़ सकते हैं दूसरे को, और ना कहीं जा सकते हैं, अब तो जीवन साथ ही बिताएंगे।
आपने इतने सालों में अपने आसपास बहुत बदलाव देखे हैं, तो आपको उनके बारे में कैसा लगता है? पहले बसें होती थी। नहीं, पहले शुरू में बसें कहाँ थी? हाँ, बस भी नहीं थी। बैलगाड़ी होती थी, गैस प्लांट चलते थे, फिर बस चलती, फिर बस के बाद फिर कारें चल गई, फिर मोटर एयरप्लेन चल गए। जैसे समय बदलता गया वैसे सब काम बदलते गए, पर हम नहीं बदले, हम वैसे के वैसे सादगी जीवन जी रहे हैं, अपना सादा खाना खा रहे हैं, सादा ही अपनी रोटी सब्जी खा रहे हैं, ज़्यादा हमको नहीं है क्या। जैसे सादा कपड़ा पहनते हैं, सादा जीवन बिता रहे हैं अपना, और सादी रोटी खा रहे हैं। तो जो इतने सारे ये बदलाव हुए हैं, आपको इनके बारे में कैसा लगता है? पर बदलाव तो समय के, जैसे समय भगवान है, समय के मुताबिक जैसे जैसे नई वो चलती रही उससे बदलाव होते रहे, और हम इतने नहीं बदले जितनी जो दुनिया बदल चुकी, हम फिर भी अपनी सादगी में रहेंगे। आपने अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, तो आप यंग लोगों को क्या फाइनेंशियल एडवाइस देना चाहेंगे? कमाया तो है, यूज नहीं। हाँ, सही बात है। नहीं, अगर वो बात कैप हो जाएगी तू मत। अच्छा, अगर वो बात कैप हो जाएगी तू मत। अच्छा, एडवाइस देते हैं बच्चों को, नेक कमाई करो, किसी से बेईमानी मत करो, ठगी मत करो, चोरी मत करो, अपना जो असल पैसा है उसको यूज करो, खूब मस्त रहो, खाओ पियो मौज रहो, ऐसा करो। हमने तो कभी ज़िंदगी में ऐसा की नहीं, क्योंकि हम जैसे पैदा हुए वैसे हम ऐसे, इसलिए बच्चों को हम कोई रोकते नहीं, पाबंद नहीं करते, खूब मजे में घूम रहे हैं, खूब फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वेस्टेज नहीं करना चाहिए, जो पैसा बचे उसको दान में दो या किसी अच्छे बढ़िया काम में लगाओ, वेस्टेज बिल्कुल मत करो। ये हम तो यही राय देते हैं बच्चों को, ठीक है अपना बढ़िया जीवन जियो। अगर हमको पैसा भगवान ने दिया है तो हम पैसा फालतू बिगाड़ते नहीं है, पैसा हम किसी गरीब लड़की की शादी की मदद करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पैसा हम मतलब फालतू नहीं बिगाड़ते हैं। पैसा अगर हमारे पास पैसा है तो किसी गरीब लड़की की हम शादी करवाते हैं, उसको कैश नहीं देते, हम उनको सामान लेके देते हैं। कैश पैसा वो किस रूप में वो लगा सकते हैं? अगर हम सामान दे देंगे तो सामान उस गरीब लड़की के घर जाएगा, तो लड़की की आत्मा खुश आएगी और हमारी भी आत्मा खुश होगी। पैसा हम कैश नहीं देते, दान खूब करते हैं, सामान लेके देते लड़की को। आप दोनों को पार्टीशन के बारे में कुछ याद है? याद है, हमारी उम्र थी उस समय 6-7 साल की था जब पार्टीशन हिंदुस्तान पाकिस्तान बना। मैं तो बेटा तो ये इसकी उम्र तो बहुत कम थी, मैं 6 महीने की, इसको तो कोई ज्ञान है नहीं ना। मुझे ज्ञान है, हमारे 6 साल का गैप है। 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, हम फिर वहाँ से आए, सबसे पहले हरिद्वार में रहे 2.5 साल, हरिद्वार में रहे, उसके बाद फिर हमारे मामा आए हमको राजस्थान में ले, उसके बाद वहीं पढ़ाई लिखाई वहीं की, वहीं बड़े हुए, वहीं शादी हुई, सारे काम ही हुए, और हमारे बच्चे वहाँ से सीखी से फिर दिल्ली आ गए, वो यहाँ पे रह रहे हैं मस्ती मार रहे। उस समय जो हुआ था वो कुछ याद है आपको, जब पार्टीशन हो रही थी? हम पार्टीशन जब हुई है, मारकाट तो हुई है, पर हम तो उससे 1 महीना पहले आ गए थे हरिद्वार में, जब जाने की तरफ वापस तैयारी करी तो इतने में मारकाट हुई और बुरा हाल था, जो लोग वहाँ काफ़ी लोग मरे हमारे रस्ते में, हमने कोई वो नहीं देखा कुछ भी, हम तो सुख शांति में आए हरिद्वार थे। जब हमारे वहाँ से जब हम आए हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान बोलो, हाँ, तो जब मेरे मम्मी पापा के पास धन बहुत था, गोल्ड गोल्ड ही बहुत था, जो यहाँ कुर्ते पे बटन लगाते हैं तो वो 7 तोले के बटन थे मेरी माता जी के, मेरी मम्मी के। और उसके बाद जब हम गांव आ गए हैं तो मतलब माता जी की डेथ हो गई। जब ये मेरे भाई जब स्कूल पढ़ने लगे तो मतलब कुछ हाथ बहुत टाइट था, पैसा नहीं था, तो गोल्ड गांव से अलवर लेके गए थे, 7 तोले गोल्ड था, बटन थे जो आगे कुर्ते पे लगते हैं, तो यहाँ नहीं बिका, ये अलवर बिका है, वो गोल्ड 7 तोले गोल्ड 700 का बिका है। उस पैसों से हमारे पिताजी ने अपने मेरे भाइयों को
पढ़ाया है, पैसे की बहुत तंगी थी, हाथ टाइट था, माल नहीं लाई थी, बस ये माता जी थोड़ा गोल्ड लाई थी साथ, बाकी कैश नहीं लाई, तो अलवर जाके बिके वो गोल्ड। गांव में थे तो जब मेरी माँ बहुत रोती थी, मेरे पिताजी के साथ लड़ाई करती थी कि आप गांव में आ गए हो, मेरे लड़के पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे, ढोर बन जाएंगे, गवार बन जाएंगे। तो वो कहती कहती मेरी माँ उसी गांव में उनकी डेथ हो गई। तो मेरे भाई अब लायक हैं, खूब पढ़ लिखे हैं, खूब उनकी बिजनेस चल रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन मेरी माँ ने कुछ उनका सुख नहीं देखा। मैं देखो बात बताती हूँ जिसको मैं मानती हूँ, हाँ मैं तो मानती हूँ अपनी माता रानी को, शेर वाली को आ जाइए इसमें, मानती हूँ मैं, झूठी बात ही नहीं है, है? माता रानी को मानती हूँ मैं, शेर वाली को, सबको हाथ जोड़ आशीर्वाद दे, मेरे बच्चों को दे, लंबी उम्र करे मेरे बच्चों की, उनके भंडार भरे, उनकी झोलियाँ भरे। और ये मानते हैं दे भगवान एक है, लेकिन उनके जो नाम है ना वो अलग अलग है। जिसको कोई माने, कोई भोले बाबा को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, लेकिन मैं अपनी शेर वाली माता रानी को मानती हूँ। और सब पूरे नवरात्रे मैं पूरे रखती हूँ, 6 महीने बाद नवरात्रे आते हैं ना, 6 महीने बाद सारे पूरे नवरात्रे रखती हूँ, अब अच्छी तरह बहुत मन से और धन से और तन से खूब कन्या पूजन करती हूँ। जय श्री राम, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय श्री राम। Thank you very much. That was the video, guys. I really hope you all enjoyed it. And video end करने से पहले मुझे 3 चीज़ों के बारे में sorry बोलना है. 1, the audio. मुझे पता है echo कर दी थी, but मेरे पास एक ही कॉलर माइक है और मैंने वो बीच में रखा, but for some reason वो ढंग से audio catch नहीं कर पाया, बहुत low volume आ रही थी, तो जो कैमरा में रिकॉर्ड होती है ऑडियो मुझे वही यूज़ करनी पड़ी। दूसरी चीज़ was the कैमरा मोमेंट, मैंने पहले से कभी किया नहीं है, you know, because मैं अपनी videos खुद ही shoot करती हूँ, तो ये कभी नहीं किया, सो आई डोंट नो कि ये इतना ऑकवर्ड लगेगा, मैं बस कूल बनने की कोशिश कर रही थी, एंड आई थिंक इट वॉज अ वेरी बैड अटेम्प्ट, सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। तीसरी चीज़ द लैम्प, या दैट्स इट, मुझे पता है वो उल्टा रखा हुआ था। एनीवे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हारा वीडियो का फेवरेट पार्ट कौन सा था। और हाँ, दैट्स इट, आई एम प्रेरणा कश्यप खत्री एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।